आज हम हमारे काफ़ी टाइम बाद अपना पूरा सेटअप यूज़ कर रहे हैं एंड पैकिंग चल रहा है अभी, ये स्ट्रिप्स वगैरह बांधने आया था एंड आज हम जाने वाले हैं चितवन। हाँ, सो टाइटल और थंबनेल से पता चल गया आज हम चितवन जा रहे हैं हमारे बाइक पे अगेन। बस इसको थोड़ा सा बांधना रहता है, बाकी सब कर दे, चेन ल्यूब ट्यूबिंग्स वगैरह सब हो गए, चल रहा है भाई पैकिंग करते हैं अभी। सो गाइज, अभी एक बज चुका है दोपहर का, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है वो अराउंड 128 किलोमीटर्स आज चितवन जा रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है वैसे यहाँ से सीधा काठमांडू ट्रैवल करने में, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट बुटोल से लेके जो चितवन तक जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लस चढ़ान जो आता है चढ़ान में भी पूरा रास्ता ख़राब है, जिसकी वजह से बैक में ना पेन हो जाता है। तो और वैसे मैं लेट निकल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं रात को 1-2 बजे पहुँचूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम यही लगेगा, 8 से 10 घंटे लग जाता है यहाँ से काठमांडू तक जाने में। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, ये कंप्लीट करके फिर हम निकलते हैं, बस थोड़ा सा बाद में रहता है, बाकी सब हो गया। Red knuckles, tape black, pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had, wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid, know that everything I did was to catch the other kids. At last, finally, we could do it. Complete. So guys, we are all set to leave now. Knew I had a different gift, I'd outwork any other. Sincere things on this side. We can feel there's something empty, we need something more. I feel destiny, she tempts me, tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight. So guys, we are all set to leave. Sab ready ho gaye. जैकेट में थोड़ा बाहर जाके पहनूंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये मेरा पूरा टी शर्ट कम्प्लीटली भीगा हुआ है, अभी मेरा पैंट ही देखो यहाँ पे पूरा भीग के पसीने की वजह से। अब हम सीधा मिलते हैं कोपरो पे। तो गाइस, इट्स 1:34 एंड हम घर से निकल गए हैं, अभी हमें नारायण घाट जाना है जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग एंड करा था, बीच रास्ते में वहाँ पे आज जाना है क्योंकि हम कल निकलेंगे उससे आगे। खराब रोड का प्रक्रिया शुरू हो गया है, पता नहीं यार कब बनाएंगे रास्ता भाई ये। देखो ना, अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर पे दिखा था तीनों ट्रक, ठीक है, अच्छा अभी यहाँ आ गए, राजस्थान से मंगाया है ये, मेरे को लग रहा है जो काठमांडू जाने के साथ टनल बन रहा है ना उसके लिए है शायद, कुछ पता नहीं भाई क्या है। ये तीनों मतलब बारी बारी से साथ चल रहे हैं, आराम से जा रहे हैं भाई, राजस्थान का ट्रक है। तो गाइस, यहाँ से हमारा जो चढ़ान चढ़ने का जो up off the mat, fighting's all I ever had, wasn't born with tons of gifts, had to work hard as a kid, know that everything I did was to catch the other kids, slowly built that self-esteem, turned myself to a machine, I'd compete so I'd be seen, I would lose and I'd succeed, but you'd never see me. I hope guys, I'm green the street, the right path,
ग्रीनरी 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 ग्रीन 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 एवरीवेयर गाइस, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ये यहाँ का हाईवे गाइस, हाईवे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कहीं तुम लोग बोलोगे क्या गली गली से जा रहा है, गली गली नहीं हाईवे ही है। सारी गाड़ी जितने भी काठमांडू जाता है ऑलमोस्ट 99.99% गाड़ी यहीं से जाते हैं। कुछ कुछ है जो एक और रास्ता होगा शायद उसी जाते हैं। गूगल मैप्स में जो दो रास्ता बता रहा था गाइस, यहाँ पे हालत देखो यार, तो इतना रास्ता खराब, इतना मिट्टी। अभी तो मैंने तुमको जो मिट्टी के फेस से मैं अभी गुजरा हूँ ना, मैंने वो नहीं दिखाया अभी। सब ट्रकों के पीछे यार इतना मिट्टी रहता ना, ऐसी रहने का कोई फायदा ही नहीं है यार। तो ये रास्ता पता नहीं अभी क्यों नहीं बना यार, क्यों कितना बुरा हाल हो जाता है ऐसे रास्ते में। वो तो चलो सही है, मैंने टायर थोड़े बदलवा दिए ना, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आ गया है अपने पे, क्योंकि टायर जब स्लिपरी वगैरह होता है ना, पहले का टायर क्या मेरा अराउंड 80-90% ख़त्म हो गया था पूरा, और बीच में तो मतलब ना के बराबर ही था। अभी मैंने टायर बदलवा दिया है और टायर की वजह से थोड़ा सा वो तो आ गया मेरे को। पहले क्या था कि पंक्चर होने का भी डर था, बट अब नहीं है, अब ठीक चल रहा है थोड़ा। बट सीरियसली यार, मैं बैक इज हर्टिंग अ लॉट। फिर कैसे गड्ढे बचाने के चक्कर में ना खुद की वाट लगी है यार। हाथ पैर सब दर्द हो रहा है, सब यहीं पे रुक सकते थोड़ा, बॉडी स्ट्रेच कर लेंगे यार पूरा। अरे भाई अपर बॉडी को छोड़ के मेरा पूरा बॉडी भीग गया है, क्योंकि मेरा लैपटॉप वाला बैग है तो उसको कवर कर रहा हूँ। अभी ये वाला फोन चला है बोले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत दोनों जूता भीग गया यार। तो अभी हम यहाँ पे जाने में बैठते हैं, फटाफट निकल जाते हैं।